जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अनुभव के बारे में। साधना में अनुभव क्यों नहीं होते हैं? पूजा पाठ जब हम लोग करते हैं तो उसके अनुभव हमें क्यों नहीं होते हैं? मंत्र जाप हम कर रहे होते हैं तो उनके अनुभव क्यों नहीं होते? क्यों कोई शक्तियों के हमको कोई भी एहसास नहीं होता? अधिकतर बच्चे मेरे पास में कमेंट करते हैं और वीडियोस में भी, और एक बच्चे से मेरी जो है बात हुई थी, पर्सनल बात की थी मुझसे बच्चे ने, तो उसने मुझसे सवाल किया था कि हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, इतने साल हमें हो गए हैं पूजा पाठ करते हुए, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है कि हनुमान बाबा मेरे पास है या माँ मेरे पास है या नहीं है। क्या सच में माँ मेरे पास है? कैसे पता करूँ कि माँ मेरे पास है या नहीं है? तो उसको मैंने वहाँ पर जवाब दिया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी के लिए भी एक वीडियो बना दूँ, जिससे आपको भी पता लग जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो सालों से पूजा कर रहे हैं, भक्ति मांग में बहुत दिनों से, लेकिन उनको अनुभव के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। कोई भी एहसास नहीं हो रहा, शक्तियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही। साधना कर रहे हैं लगातार, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही सफलता? लगातार बहुत जीड़ तोड़ साधना करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती सफलता? उसी के बारे में मैं यहाँ पर आज आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करके जुड़ जाना वीडियो, और आगे शेयर भी कर देना, ताकि साधक साधिकाओं के पास में, भक्तों के पास में ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। देखिए, हमें अनुभव क्यों नहीं होते हैं? अध्यात्म जीवन में जब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें अनुभव क्यों नहीं होते? सालों साल हो जाता है हमें पूजा करते करते, पाठ करते करते, मंत्र जाप करते करते, लेकिन अनुभव नहीं होते। एक साधना कई बार लगातार बार बार हम उठाते हैं रिपीट कर करके, लेकिन उस साधना का भी जो हमें कोई भी फल नहीं मिलता, उसका क्या कारण होता है? उसका रीजन होता है आप खुद, आपकी अंतर आत्मा, आपका अहंकार, आपके मन के विचार, यही सारे कारण होते हैं जिससे आपको जो है इन साधनाओं में, इन पूजा पाठों में कोई अनुभव, कोई शक्ति का एहसास नहीं होता। वह कैसे, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप कोई साधना करने के लिए बैठे हैं, साधना करने बैठे हैं और साधना में आपको शुरुआत तो करी है, लेकिन शुरुआत में अगर आप ना साधना शुरू करने से पहले ही आपके मन में एक विचार आ गया ना कि पता नहीं साधना तो करने बैठूंगा, अनुभव होंगे या नहीं होंगे, इतने दिन में नहीं हुए, अब क्या पता होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जब आप साधना करने बैठे हैं और साधना सिद्धि प्राप्त होने से पहले आपके मन में अनेकों विचार आ जाते हैं, ये सिद्धि हासिल करने के बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, ये सारे विचार मन में, मैं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है कि ये विचार कभी मेरे मन में नहीं आए होंगे, आपके में भी आए होंगे। साधना के मन में शुरुआत में ऐसे विचार आते हैं, साधक के मन में शुरुआत में ऐसे विचार आते हैं, कुछ छल कपट इंसान के मन में आता ही आता है, और वही चीज होता है कि वह उनकी कामयाबी का एक
नाकामयाबी का हिस्सा बन जाता है। ये उनके मन के भाव विचार है। छल कपट, इससे हमको दूर रहना है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, साधना शुरू करी, दो चार दिन बैठे और उनको लगा कि अरे अनुभव नहीं मिल रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, तो वो साधना के चक्कर में पागल हो जाते हैं। अरे इतने दो तीन दिन हो गए, हमने साधना कर ली, हमें कोई अनुभव नहीं हुए, कोई मन में विचार नहीं आ रहे, कोई शक्ति का एहसास नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई, देवी देवता आपकी जागीर थोड़ी ना है, वह भी तो आपको परखेंगे कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितने सक्षम हो आप, तब वह आपको आके दर्शन देंगे। कैसे देंगे दर्शन, कैसे अनुभव करा दे, पहले वह आपके अनुभव तो देख ले कि भाई आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी सहनशीलता है, वो चीज़ देखते हैं। तो इसलिए हमें अनुभव नहीं होते। और दूसरी, हम जाप तो कर रहे, साधना हम कर रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थी की बात करें या किसी फ्रेंड की बात करें या किसी रिश्तेदार की बात करें, तो उनके लिए हमारे मन में जो है गलत विचार आते हैं। अरे मैं ये साधना हासिल करूं, मैं सिद्धि हासिल करूं, फिर मैं उसको फिर देख लूँगा। अरे मैं ये कुछ लोग साधना सिद्धियां हासिल करते हैं एक दिखावे के लिए, एक दिखावे के लिए। तो भाई सिद्धि साधना ये शक्तियां ये शोरूम में लगाने का ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप वहां लगा करके इसका जो है निवाइश करें। नहीं, ये गुप्त रखी जाती है। सिद्धि साधना ये शक्तियां गुप्त होती हैं। इनको गुप्त तरीके साधना फिर गुप्त क्यों करते हैं? साधना किसी मंदिर में खुले में बैठकर ना कर ले। साधना गुप्त इसलिए होती है क्योंकि गुप्त साधना है और गुप्त शक्तियां, इनको गुप्त रखना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, इन शक्तियों का ना निवाइश करते हैं, इनका प्रचारण करते हैं। कोई एक दो बच्चा, कोई ऐसा भाई, किसी को उन्होंने देख लिया कि ये फलाना व्यक्ति अपने बारे में ये जानकारी दे रहा है, तो वो उससे ज़्यादा बढ़कर के वो जानकारी देने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना। ये भावना आपको आपके अनुभव से दूर ले जाती है। होते हैं तो भी बंद हो जाते हैं, किसी को होते नहीं, अगर किसी को हो भी रहे हैं तो वो बंद हो जाते हैं। क्यों? एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना। अभी मैं इतना बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। आपके मन में यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है, आपके पेट में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके मन में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, चाहे 1% विचार आता जरूर है। तब आपकी जो ये सिद्धि साधना सफल नहीं होती है, तब जो है आपको ज्ञान पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, तब आपको कोई अनुभव नहीं होता, तब आपको शक्ति का प्रतीक नहीं। अरे शक्ति पवित्र होती है, शक्तियाँ पवित्र होती है, और इन शक्तियों की पवित्रता को हम भंग करते हैं, और जिसका कारण ये होता है कि उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। अब बात करेंगे कि भाई बहुत से लोग करते हैं, अपने शक्तियों का प्रचलन करते हैं, उनका क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं और समझा देता हूँ कि जो लोग अपने शक्तियों का प्रचलन करते हैं उनका मन साफ होता है, उनकी अंतरात्मा पवित्र होती है, वह किसी को नीचा दिखाने की भावना से कोई कार्य नहीं करते हैं। जो भी वह कार्य कर रहे हैं वो एक किसी को ज्ञान देने की भावना से कर रहे हैं, किसी को सिखाने की भावना से कर रहे हैं, तो उस स्थान पर ना तो उनके कोई अनुभव रुकेंगे, ना उनके साथ में कुछ गलत होगा, और ना ही शक्तियां उनसे रुष्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, वो किसी को ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ ज्ञान की देवी बैठी है, जहाँ ज्ञान की देवी बैठी है, जिसके सिर पर, जिसकी जीभ पर ज्ञान की देवी बैठी है, उसको फिर ज्ञान देने से, कहते हैं ना, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, और छुपाने से कटता है। तो अगर जिसके मन में भाई किसी को एक चीज़ का ज्ञान है,
तो उसके मन में आ रहे हैं, इसको मैं नहीं दूंगा। मैं जरूरत पड़े तो ये मेरे से पूछे आके, तभी मैं इसको बीच समाज में जो है नीचा गिराऊंगा। वहाँ शक्तियाँ कभी भी नहीं आएंगी, वहाँ कभी कामयाबी नहीं मिलती है। ये सारी छोटी छोटी जानकारियाँ होती है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। आप अध्यात्मक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म में आपको क्या पता है, ज्योत बत्ती, पूजा पाठ, मंत्र जाप, सिद्धि साधना, इतना ही तो जान गए। लेकिन इनको हासिल करने के लिए क्या क्या कामना करनी पड़ती है, वह आप नहीं जान पाए हो, तो वो जानना सबसे बेहतर है। अगर आपके मन में ये सिद्धि साधना के लेकर कोई लालच, कोई मन चला, कोई भी किसी प्रकार के कोई विचार नहीं आए हैं, तो आपको 100% कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन 99% लोग, 1% लोग को ही साधना क्यों सफल होती है? क्योंकि आज के ज़माने में कितना भी अंतरात्मा पवित्र क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में कोई, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बात गलत लग रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन ये सत्यता है कि 99% लोगों की जो साधना है इसलिए सफल नहीं होती, इसलिए उनको कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट जरूर होता है, और खोटा सिक्का कभी काम नहीं आता है। ये पुरानी कहावत भी है। तो इसलिए सिद्धि साधना सफल नहीं होती, इसलिए कोई अनुभव नहीं होते, कोई विचार नहीं बनते, कोई कामयाबी नहीं मिलती आध्यात्मिक जीवन में। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इन गलतियों को सुधारो, फिर देखो आपको कैसे सफलता मिलती है। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये मैं आपको एक कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।